दोस्तों देखो, अगर वैसे तो देखा जाए ना तो दोस्तों औरतों को पटाने के कई ज़्यादा तरीके मैंने दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर आपको दोस्तों कई बार बताए हैं। बट दोस्तों आज इस वीडियो में ना मैं आप सभी को ऐसे दोस्तों दो दोस्तों काम बताने वाला हूँ। जी हाँ, ऐसे दोस्तों दो दोस्तों काम बताने वाला हूँ जो दोस्तों दो काम अगर दोस्तों आप करोगे ना तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देकर, मैं आपको मतलब इतना दोस्तों विश्वास देकर मैं दोस्तों आपको बता सकता हूँ कि दोस्तों आपको ना जो भी औरत या फिर जो भी लड़की या फिर खास तौर पे जो भाभी जो आंटी आपको दोस्तों पसंद होगी ना, तो वह भाभी वह आंटी आपसे दोस्तों पट जाएगी। इसकी दोस्तों 100% गारंटी मैं दोस्तों आपको देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना दोस्तों, वो दोस्तों मेरे जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई भी हवा हवाई बातें, सुनी सुनाई बातें मैं दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं बताता। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। तो दोस्तों देखो, अगर दोस्तों आपको ना किसी भी औरत को पटाना होगा जिस औरत की उम्र ना 30 साल से ऊपर है, मतलब वो जो औरत है ना वह औरत एक दोस्तों शादीशुदा औरत है, तो दोस्तों ऐसी औरत को अगर दोस्तों आपको पटाना होगा ना, तो दोस्तों आपको ना सिर्फ दोस्तों दो ही दोस्तों काम करने पड़ेंगे। उन दो कामों में ना जो सबसे पहला काम है वो दोस्तों कौन सा काम है कि दोस्तों उस औरत के साथ ना सबसे पहले दोस्ती करो, और दोस्तों दोस्ती करके ना उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ। उसका जो अकेलापन है ना, उस अकेलेपन को दूर करो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों ऐसा दोस्तों मैंने मेरे ज़िंदगी में ज़्यादातर दोस्तों देखा है कि दोस्तों जो औरतें ना शादीशुदा औरतें होती है, तो उनका पति ना उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। उनका पति ना ज़्यादातर अपने काम धंधे में एकदम दोस्तों बिजी होता है, और ऐसे कंडीशन में ना वह औरत बेचारी दोस्तों अकेली अकेली रहती है, और उसका अकेलापन ना उसको दोस्तों ज़्यादा सताता है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में ना आप दोस्तों उसके साथ दोस्ती करके उसका दोस्तों अकेलापन दूर करो। उसको ऐसा दिखाओ कि मैं आपका ना सबसे अच्छा दोस्त हूँ, आप मुझे ना कोई भी बात बता सकती हो, मतलब उसके साथ ना अच्छी वाली दोस्ती करो, और दोस्तों उसकी ना भर भर के तारीफ करो कि आप ना ऐसी हो, आप ना वैसी हो, आप मतलब आप जो खाना बनाती हो ना वो एकदम टेस्टी होता है, आपका जो स्वभाव है ना वो बहुत अच्छा है, आप दिखने में एकदम क्यूट हो, आप एकदम सुंदर हो, ऐसी मतलब उसकी ना दोस्तों भर भर के तारीफ करो। अभी दोस्तों उसके बाद जो दोस्तों दूसरे प्रकार का काम है जो एकदम इम्पोर्टेंट है, वो दोस्तों दूसरा काम कौन सा है कि दोस्तों उस औरत को ना दोस्तों अपने पति से मतलब उसके हस्बैंड से उसको दोस्तों जो नहीं मिलता ना वो चीज़ आप दोस्तों उसको देने की कोशिश करो। क्या बोला मैंने, आई रिपीट अगेन दोस्तों, एकदम ध्यान देकर सुनो कि दोस्तों उस औरत को ना अपने पति से मतलब उसके हस्बैंड से उसको दोस्तों जो नहीं ना मिलता, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसका पति ना उसको शॉपिंग करने के लिए पैसा नहीं देता, उसका पति ना उसको समय नहीं देता, मतलब ऐसा कोई ना कोई चीज़ होगी जिस चीज़ को ना उसका पति उसको नहीं देता, और उस औरत को ऐसा लगता है कि मुझे ना यह जो चीज़ है ना यह चीज़ मुझे चाहिए, बट मेरा पति ना मुझे यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं देता। तो दोस्तों उसी चीज़ को, उसी वस्तु को आप दोस्तों देने की कोशिश करो, और दोस्तों मैं आपको इतनी गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि दोस्तों जिस दिन जिस समय आप दोस्तों उस औरत को ना वह चीज़ देने में सक्षम होंगे, मतलब आप उस औरत को ना वह चीज़ दोगे जो चीज़ ना उसका पति उसको नहीं
नहीं देता, उसका हस्बैंड उसको नहीं देता, तो दोस्तों उसी समय उसी वक्त वो औरत ना दोस्तों आपके ऊपर तुरंत दोस्तों इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा मैंने खुद मेरे ज़िंदगी में देखा है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप मतलब दोस्तों आप सभी को तो पता है कि दोस्तों मैं आपको कोई भी हवा हवाई बातें सुनी सुनाई बातें मैं दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं बताता। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों जिस दिन जिस समय आप दोस्तों उस औरत को ना वो चीज़ दोगे जो उसका पति उसका हस्बैंड उसको बिल्कुल भी नहीं देता, तो दोस्तों उसी दिन उसी समय उसी वक्त वो औरत ना दोस्तों आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगी। इसकी दोस्तों गारंटी मतलब दोस्तों इसका दोस्तों मतलब इतना आश्वासन मैं दोस्तों आपको दे सकता हूँ, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, हैप्पी रहो, खुद का ख्याल रखो। लव यू सो मच ऑल ऑफ यू।